माई सेल्फ हरिओम शर्मा, आई एम नर्सिंग टू द इंडियन नर्सिंग कॉलेज। माई टॉपिक इज रीनल कैलकुलाई। इंट्रोडक्शन। किडनी स्टोन आल्सो कॉल्ड रीनल कैलकुलाई, नेफ्रोटाइटिस इन द यूरोटोलाइटिस आर हार्ड डिपॉजिट मेड ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट फ्रॉम इनसाइड द किडनी। किडनी स्टोन किस हो सकता है? यह एक हार्ट डिपॉजिट होता है, किस अंदर है मिनरल्स एंड साल्ट फ्रॉम इनसाइड द किडनी। किडनी के अंदर ये डिपॉजिट हो जाता है। फिर डाइट, एक्सेसिव बॉडी वेट, सम मेडिकल कंडीशन एंड सर्टेन सप्लीमेंट एंड मेडिकेशन आर अमंग द मेनी केसेस ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के और भी कोई कारण हो सकते हैं, जैसे डाइट, एक्सेसिव बॉडी वेट, सम मेडिकल कंडीशन एंड सर्टेन सप्लीमेंट्स ऑफ मेडिकल आर अमंग आर द मेनी केसेस ऑफ किडनी स्टोन। और बहुत सारे केस हो सकते हैं किडनी स्टोन के। फिर डेफिनेशन। रीनल कैलकुलाई आर ए कॉमन केस ऑफ ब्लड इन द यूरिन, हेमेचूरिया एंड पेन इन द एब्डोमन फ्लंक ऑफ ग्रोइंग एरिया। रीनल कैलकुलाई कॉमन केसेस है ब्लड यूरिन में ब्लड का, उसको अपन बोलते हैं हेमेचूरिया, ब्लड ऑन यूरिन एंड पेन इन द एब्डोमन फ्लंक ऑफ ग्रोइंग। दे ऑक्यूर इन वन इन इनेबल पीपल एट द सेम टाइम इन दियर लाइफ टाइम विथ मेक अफेक्टेड टू एंड थ्री ओवर वुमेन। ये लाइफ टाइम ही हो सकता है, ये अफेक्टेड होता है तो 2:1 का इसका रेशो है। ये इसका डायग्राम है, ये अपनी किडनी है, यहाँ पे जो नेफ्रोन है वहाँ पे स्टोन होगा, ये अपना ब्लेडर है और ये यूट्रस, ये अपना स्टोन। फिर टाइप्स, कितने टाइप का होता है ये? तो कैल्शियम स्टोन लाइक अपना कैल्शियम स्टोन, मोस्ट काइंड स्टोन आर कैल्शियम स्टोन यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेटेड इन सब्सटेंस मेड डेली बाय योर लाइफ और एब्जॉर्ब फ्रॉम योर डाइट। सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज नट्स एंड चॉकलेट्स हैव हाई ऑक्सीलेटेड कंटेंट। कैल्शियम स्टोन हो सकता है ये, मोस्ट काइंडली स्टोन, मोस्ट काइंडली मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा होने वाला स्टोन है ये कैल्शियम स्टोन, यूज इन द फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीलेटेड, जब कैल्शियम का ऑब्जर्व ज़्यादा होता है उसकी वजह से होता है। सब्सटेंस मेड डेली बाय योर लीवर एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम योर डाइट। सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बहुत सारे फल फूल ये सब्जी से हो सकता है। उसके बाद अपना डाइटरी फैक्टर, हाई डोज ऑफ विटामिन डी, इंटेस्टाइनल बाईपास सर्जरी एंड सर्वाइवल मेटाबोलिक डिसऑर्डर कैन इंक्रीज द सर्टेन ऑफ कैल्शियम और ऑक्सीलेटेड इन यूरिन। कैल्शियम स्टोन में आल्सो ऑक्यूर इन फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फेट इन दिस टाइप ऑफ स्टोन इज मोर कॉमन इन मेटाबोलिक कंडीशन सच एज रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में आल्सो इज एसोसिएटेड विद द सर्टेन मेडिकेशन यूज एट टू टारगेट माइग्रेशन इन सीजर सच एज थियोपरामिट, टोकोमेक्स, टोकोकार्डियल एक्सरे, क्वाडर एक्सरे ETC। ये डाइटरी फैक्टर से हो सकता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिक कंडीशन से भी हो सकता है। फिर आता है अपना स्टोरेटिव स्टोन। स्टोरेटिव स्टोन रो में रिस्पॉन्स टू ए यूरिनरी इन्फेक्शन UTIs होता है। द स्टोन कैन ग्रो क्विकली एंड बिकॉज क्वाइट लार्ज समटाइम विथ यू सिम्टम और लिटिल वार्निंग। यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है। यूरिक एसिड स्टोन कैन फ्रॉम द पीपल हु लॉस टू मच फ्लूइड बिकॉज ऑफ क्रॉनिक डायरी एंड माल एब्जॉर्प्शन, दोज हु ईट इज हाई प्रोटीन डाइट, दोज विद डायबिटीज एंड मेटाबोलिक सिंड्रोम। सर्टेन जेनेटिक फैक्टर आल्सो मे बी इंक्रीज यूअर रिस्क ए यूरिक एसिड स्टोन। फिर अपनाएगा सेस्टिन स्टोन, द स्टोन फ्रॉम पीपल विद द हेरिडिटी डिसऑर्डर कॉल्ड सेटी यूरिया, दैट केस ऑफ किडनी टू एक्सीड टू मच ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ये एक जेनेटिक होता है, ये हाई अमीनो एसिड की वजह से हो सकता है। फिर कॉजेस, इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? फर्स्टली फैमिली ऑफ पर्सनल हिस्ट्री, सेकंड डिहाइड्रेशन, फिर सर्टेन डाइट्स, ओबेसिटी, डाइजेस्टिव डिसीज एंड सर्जरी, फिर फैमिली एंड पर्सनल हिस्ट्री। इफ यू फैमिली हैज हेड ए किडनी स्टोन
यू आर मोर लाइकली टू डेवलप स्टोन टू इफ यू ऑलरेडी हैड वन और मोर किडनी स्टोन यू हैव इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग अनदर. फिर डिहाइड्रेशन, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर इच डे कैन इंक्रीज यूअर रिस्क ऑफ किडनी स्टोन. पीपल हु लिव इन वार्म ड्राई क्लाइमेट एंड दोज हु स्वेट अ लॉट मे बी हायर रिस्क ऑफ अदर. ये डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, जो पानी कम पीता है उसको स्टोन होने के चांस ज़्यादा होते हैं. सर्टेन डाइट्स, ईटिंग ए डाइट दैट हाई प्रोटीन डाइट, हाई सोडियम डाइट, साल्ट एंड सर्जरी में इंक्रीज यूअर रिस्क ऑफ सम टाइप ऑफ किडनी स्टोन. द स्पेशली ट्रू विद द हाई सोडियम डाइट, टू मच साल्ट इन यूअर डाइट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम यूअर किडनी मस्ट फिल्टर द सिग्निफिकेंट इंक्रीज यूअर रिस्क ऑफ किडनी स्टोन. जो ज़्यादा हाई डाइट जैसे कैलोरी, प्रोटीन, सोडियम, साल्ट इसको लेता है उसको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं किडनी डिजीज, किडनी स्टोन होने के चांसेस हैं. ओबेसिटी, जो ज़्यादा मोटा रहेगा उसको, हाई बॉडी मास इंडेक्स जिसका BMI बड़ा होगा, लार्ज वेट साइज, वेट गेन होगा, हैव बीन लेकिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ किडनी स्टोन, उसको किडनी स्टोन के चांसेस ज़्यादा होंगे ओबेसिटी पर्सन को. डाइजेस्टिव डिसीज एंड सर्जरी, इसको गैस्ट्रिक डिसीज होगी, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होगी, इंफ्लामेटरी बाउल डिसीज होगी, क्रोनिक डायरिया होगा, चेंज इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस दैट अफेक्ट बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंस इन यूर यूरिन. फिर पैथोफिजियोलॉजी, रीनल लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेनेज रीनल पेल्विस में होगा ये, तो प्रिवेंट एक्रेशन एंड एग्रोनेशन ऑफ प्रेजेंटिंग सोल्ट, किडनी में सोल्ट जमा हो जाएगा, म्यूटेशन ऑफ बायलिटेशन ऑफ रीनल लिम्फेटिक्स, म्यूटेशन होगा उसका मतलब वो फैलेगा. साल्ट प्रेटिपिटेस होगा, साल्ट का प्रेटिपिटेशन हो जाएगा उसमें, बिग कॉन्सेंट्रेशन, बिग कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन के अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा. कॉन्सेंट्रेशन ग्राइड डाउन इन द सराउंडिंग मेंबर इवेंटली कोजिंग, जो उसके किडनी के आसपास रहेगा वो सराउंडिंग एरिया में वो जो कंसनट्रेट है वो फैल जाएगा. फिर यूरिन प्री कलेक्शन हो जाएगा, यूरिन का कलेक्शन हो जाएगा, यूरिन बढ़ जाएगा वहाँ पर. इनवेरिएबल कॉन्टेक्ट विद द साल्ट एंड अदर ऑर्गेनिक सिस्टम इन द यूरिन, अन इनवेरिएबल कंटेंट विद द सोल्ट, सोल्ट के अंदर अलग अलग प्रकार का कंटेंट मिक्स होगा और वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा. फिर डेवलप इन टू द लार्ज रीनल स्टोन, फिर वो लार्ज स्टोन को डेवलप करेगा. सिम्टम्स, क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, सीवियर शार्प पेन इन द साइड एंड बैक बिलो द रिप्स, रिप्स के नीचे किडनी के यहाँ सीवियर एंड शार्प पेन होगा, बहुत तीखा बहुत गीना पेन, द रेडिएट टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोनिंग, ग्रोनिंग एरिया में पेन होगा, ग्लैंडर एरिया में पेन होगा, उसके बाद लोअर एब्डोमेन में पेन होने के चांसेस ज़्यादा है. पेन इन द कम विद द व्यू एंड फ्लूइडिटी इन द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी पेन की. पेन ऑन बर्निंग सेंसेशन विद वेन यूरिनेशन, जब यूरिन पास करेगा उसको पेन होगा और उसको बर्निंग सेंसेशन फील होगा. अदर साइन सिम्टम्स ऑफ मे बी इंक्लूडेड पिंक रेड एंड ब्राउन यूरिन, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, पिंक होगा, रेड होगा, ब्राउन होगा. क्लाउडी ऑफ फाउल स्मेलिंग यूरिन, यूरिन में क्लाउडी नहीं लगेगी उसमें से स्मेल आएगा. ए प्रेजेंटेशन नीड टू यूरिनेट, यूरिनेटिंग मोर ऑफ्टन दैट यूजुअल, यूरिनेटिंग इन स्मॉल अमाउंट्स. नोजिया वोमिटिंग फील होगा, फीवर एंड चिल इन द इन्फेक्शन इन प्रेजेंट, फीवर लगेगा, चिल्स होगी, ये सब प्रेजेंट होगा सिम्टम में. फिर डायग्नोस्टिक इलाजन, अपन को क्या क्या जांच उसकी करानी है, ब्लड टेस्ट कराना है, CBC, कैल्शियम फॉस्फोरस, यूरिक टेस्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट कराना है, BUN ब्लड यूरिन नाइट्रोजन टेस्ट कराना है, क्रिएटिनिन कराना है उसका, किडनी फंक्शनिंग करानी है उसकी, यूरिन एनालिसिस टू चेक फॉर क्रिस्टल बैक्टीरिया ब्लड एंड वाइट सेल, एग्जामिनेशन ऑफ पास्ट स्टोन ऑफ डिटरमिनेशन डियर टाइप्स, द फॉलोइंग गी टेस्ट कैन बी रिजल्ट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, एब्डोमेन का एक्सरे कराना है, VIP करानी है, रेट्रोग्राड पेलीग्राम कराना है उसका, अल्ट्रासाउंड UCG करानी है किडनी की, है ना, MRI स्कैन ऑफ एब्डोमेन ऑफ किडनी का कराना है, CT स्कैन कराना है, एब्डोमेन में CT स्कैन सब जांच करानी है. मेडिकल मैनेजमेंट, है ना, जाइलोफेरम फॉर यूरिक एसिड स्टोन टेस्ट देना है, थायजाइड थायरोटिक टू प्रिवेंट कैल्शियम स्टोन फ्रॉम फॉर्मिंग, डायरेटिव का यूज़ करना है, सोडियम बायोकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट टू मेक यूरिन लेस एसिडिक, सोडियम बायोकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट का यूज़ करना है, फॉस्फोरस सोल्यूशन का यूज़ करना है, कैल्शियम स्टोन को फॉर्मिंग होने से रोकना है, आइबुप्रोफेन फॉर पेन के लिए देना है, एसिटो मोनाफेन थियोफेनाइल फॉर पेन के लिए देना है,
नेरोफेक्शन सोडियम एविल पेन के लिए देना है, ये सब पेन मैनेजमेंट है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, शॉक वेव लिथोट्रोप्सी कर सकते हैं, यूरीटेरोस्कोपी कर सकते हैं यूआरसी एंड प्रोक्रिटियस नेप्रोलोटिकटोमी उसके कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन सर्जिकल मैनेजमेंट उसको कर सकते हैं। फिर प्रिवेंशन, क्या क्या अपन प्रिवेंशन रखते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन को करना चाहिए जब किसी को किडनी स्टोन हो तो यू कैन सबसाइड गार्नर एल लेमन लाइन सोडा एंड फ्रूट जूस फॉर वाटर टू हेल्प यूर इंक्रीज यूर फ्लूड इनटेक। सोडियम लेमन ये सब उसको हाइड्रेट देना है ना। इफ स्टोन आर रिलेटेड टू लो सिट्रेट लेवल सिट्रेट जूस कुड प्रिवेंट टू फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। जब कोई सा भी स्टोन लो सिट्रेट की वजह से हो तो उसको हाई सिट्रेट डाइट देना है, जिससे वो फॉर्मेशन स्टोन के फॉर्मेशन को रोक सके और स्टोन कम हो सके। ईटिंग ऑक्सीडेटेड रिच फूड एंड मॉडरेट एंड रिड्यूसिंग यूर इनटेक ऑफ साल्ट एंड एनिमल प्रोटीन कैन आल्सो लोअर यूर रिस्क एंड किडनी स्टोन। यूर डॉक्टर में प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू हेल्प प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम एंड यूरिक एसिड स्टोन। यू हैव मेड ए किडनी स्टोन यू एट रिस्क फॉर किडनी स्टोन स्पीड यूर डॉक्टर एंड डिस्कस द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन। ये हम लोग को प्रिवेंट रखना है। थैंक यू सो मच गाइज़।